हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4। और हाँ, हम ये वही ट्यूशन है जहां पे आप पढ़ने के लिए आते हो, ऑब्वियसली एसएस का वीडियो देखने के लिए आते हो, क्योंकि हम बहुत जोरदार पढ़ाते हैं। लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, ये पेज नंबर 35 पे। और ऑल ओवर इंडिया नहीं, आजकल तो अमेरिका, कनाडा, हर एक देश से हमें वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही है, डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं। टेंशन मत लो, नीचे अभी मैंने उनको बोला है कमेंट सेक्शन में डाला करो तो मैं वीडियो बना सकूं, क्योंकि बच्चे बोल सके कि भाई सर आप तो बड़े फेमस हो रहे हो। हाँ, और बड़ा फेमस हो ही रहा हूं, देखो कल आपने हमारा एक शॉर्ट्स देखा है, समझ रहे हो, एक यूनिवर्सिटी में हमें इनवाइट किया था, तो वहां पे यूनिवर्सिटी में जाके हमने एक शॉर्ट्स बनाया, देखो अभी और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, क्योंकि हम तो सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है। और आज का हमारा टॉपिक है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो मैं, क्योंकि बहुत सारी एफर्ट्स लगाता हूँ, लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हमारे बच्चे अप्रिशिएट नहीं करते, इसलिए मैंने इसके ऊपर में कुछ चीजें रखी नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में रखो सर वो आपने जैसे नालंदा का वीडियो बनाया था उसमें वैसे ऊपर कंटेंट रखा था, उसके ऊपर वाला मेडिवल लिटरेचर का जो था उसमें आपने जो कंटेंट रखा था जो हमें याद करने में लिखने में मदद करता है, ऐसी मेहनत करो सर। तो मैं, मेरे वीडियो देखो पहले, उसके बाद में तो यहाँ पे 2-3 चीज आप मेरा जो ऐसे पिन पॉइंट प्रिसिजन वाला चीज है वो मिस करोगे, क्योंकि मैं आपके ऊपर गुस्सा हूं, ठीक है ना, समझो। फिर भी मैं बता रहा हूं, मेरे को तो सब पता होता है। आपको पता है, आपने महाभारत तो देखी होगी बेटा, प्रदीप देखी है ना महाभारत, ठीक है। महाभारत में मामा शकुनी थे, तू भूल गया, इसलिए मैं तुझे याद दिला दू, उनको गांधार नरेश बोलते थे। क्या बोलते थे? गांधार नरेश बोलते थे। ये देखो गांधार नरेश, गांधार नरेश का मतलब क्या? गांधार नरेश मतलब वो गांधार रीजन के किंग थे, गांधार रीजन के वो नरेश मतलब कुमार बोल दो, राजा के पुत्र मतलब फ्यूचर में जाके राजा बनने वाले थे, फिर भी यहां पे आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि हमारे जो भीष्म पितामह थे उनकी बहन को उठा के आ गए थे, फिर उन्होंने बोला मैं पूरा बर्बाद कर दूंगा। तो कौरवों के दुश्मन पांडव थे या मामा शकुनी के थे, वो आज तक लोगों को पता नहीं चल रहा है। आप डिसाइड कर लेना कौन था। उन्होंने शपथ खाई थी कि मैं इन सबको बर्बाद कर दूंगा। तो हाँ, ये वही गांधार रीजन की बात करेंगे। फिर यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आएंगे। फिर मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो मैं अभी से बता दूं। ये जो पॉलिटिशियन कौटिल्य है, ठीक है ना, एक एक्सपर्ट थे हमारे चाणक्य का नाम, चाणक्य, कौटिल्य मतलब चाणक्य। अब ये चाणक्य के बारे में दो चीजें है, अकॉर्डिंग टू जैन बुक्स है, समझो जैन परंपरा है, उसके हिसाब से जो ये चाणक्य है उनका जन्म साउथ इंडिया में हुआ है। कहां पे हुआ है? देखो ये बहुत कोरिलेट करने की बात है चीजों, इतिहास पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, बाकी इतिहास ना पढ़ो, सिर्फ रटने के लिए मत पढ़ो। जैन ट्रेडिशंस के हिसाब से, जैन बुक के हिसाब से चाणक्य, कौटिल्य मतलब चाणक्य, उनका जन्म कहां पे हुआ था? साउथ इंडिया में। लेकिन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से, बुद्धिस्ट बुक के हिसाब से चाणक्य का जन्म कहां पे हुआ था? तक्षशिला में, समझ रहे हो, तक्षशिला, जो तक्ष वो पूरा एरिया था वहां पे हुआ था, आप समझ रहे हो। अगर साउथ इंडिया में हुआ था तो फिर उन्होंने तक्षशिला में कैसे पढ़ाई की, समझ रहे हो। फिर चलते चलते गए होंगे, शायद घोड़ा गाड़ी में गए होंगे, बग्गी थी कि नहीं थी वो भी हमें नहीं पता, एरोप्लेन में तो गए नहीं होंगे, मोटर गाड़ी में भी नहीं गए थे। फिर आपको ये बता दूं, ये इन्होंने, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्य एम्पायर, हालांकि वो ब्राह्मण थे इसीलिए वो राजा नहीं बने, लेकिन मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य एम्पायर स्थापित करने में मदद करी थी, वो फिर पाटलिपुत्र यानी बिहार। मतलब अगर आप साउथ इंडिया की बात करें, अगर वो जन्मे है जैन ट्रेडिशन के हिसाब से, वहां से वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान उस तरफ उस वक्त नहीं था, अभी पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान तक पढ़ाई करने गए, फिर पढ़ाई करने के बाद बिहार में आए, बिहार में वो पाटलिपुत्र है ना बेटा, समझ रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र से स्थापित हुआ है। तो इतना ट्रैवल उन्होंने किया, एटलीस्ट इतना ट्रैवल किया। और अगर बुद्धिस्ट रिलीजन की माने, किसकी माने, बुद्धिस्ट रिलीजन की माने, बुद्ध धर्म के हिसाब से उनका जन्म तक्षशिला के आजू बाजू ही हुआ था कहीं पे। और फिर एटलीस्ट क्योंकि हमारे इतिहास के हिसाब से उन्हें बिहार तो जाना ही पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वहीं पर हमारा जो मौर्य साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने मदद की। हालांकि वो जो कौटिल्य है, चाणक्य, वो खुद राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का लड़का कभी राज नहीं करता, कोई डाउट है? नहीं है। तो यहां पे बहुत सारी चीजें आएगी, आईएमपी है, हम चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर रघुकुल वंश तक हम जाएंगे, ठीक है, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम के जो भाई थे, भरत, भरत बोलते थे हम उसको, उनका भाई जो लड़का है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, तक्ष, ठीक है, उनके ही नाम से शायद ये यूनिवर्सिटी का, देखो शायद
यहाँ पे शायद वर्ड मेरे को एक दो बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री है, हमें पता नहीं है क्या सच है क्या झूठ है। एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, आपको अगर आपने मेरा नालंदा का वीडियो देखा है, अगर आपने मेरा नालंदा का वीडियो देखा है, तो हमने सबसे पहले बोला था सिचुएटेड, वहां पे सिचुएटेड वर्ड था, यहाँ पे लोकेटेड वर्ड है। तो आपको अगर किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो कहां पे आई है वो तो आपको जानना पड़ेगा, है ना। नालंदा कहां पे आई है आपको पता होना चाहिए, आप मेरा वीडियो देख के बैठे हो, ठीक है। तक्षशिला कहां पे आई है, तक्षशिला आई थी सर, आई थी, ठीक है ना, वॉज लोकेटेड एट रावलपिंडी। कौन सी पिंडी, रावलपिंडी। और ये रावलपिंडी, ये वही पिंडी है जहां पे बकरियां लिंडी पाड़ती है, कोई डाउट है आपको। पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लोग बकरी काटते हैं बेटा, मुस्लिम लोग बकरे काटते हैं तो वहां पे बकरे ज्यादा है, ठीक है ना। रावलपिंडी कहां पे आया बेटा, पाकिस्तान में आया है बेटा, कहां पे आया है, पाकिस्तान में। तो ये रावलपिंडी कौन सी पिंडी है बेटा, जहां पे बकरियां लिंडी पाड़ती है। बकरियां ही क्यों, क्योंकि मुस्लिम बकरी ईद के दिन बकरी काटते हैं। कोई डाउट है बेटा तेरे को पांडे जी, कोई डाउट है तो अभी बोल दे बेटा, है ना, कोई डाउट नहीं है बेटा। ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान, कोई डाउट है बेटा कहां पे आया था, द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, पौराणिक यूनिवर्सिटी तक्षशिला जो है वो कहां पे आया था, वॉज लोकेटेड रावलपिंडी। कौन सी पिंडी, रावलपिंडी ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान। सबसे पहला हमारा लोकेशन वाला पॉइंट क्लियर हुआ, कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ, लोकेशन एल क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, लोकेशन क्लियर हुआ। साइड पे ऐसे लिखते जाने का बेटा एल। उसके बाद में इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ एंशियंट गांधार रीजन, वो क्या था बेटा, कैपिटल सिटी था, कैपिटल सिटी था पौराणिक जमाने में। हमने गांधार की बात करी, गांधार नरेश, तो पौराणिक जमाने में ये जो हिस्सा था, ये जो प्रदेश था, उसको गांधार नाम से जाना जाता था। और ये जो एरिया है, तक्ष एरिया बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो उसका कैपिटल रीजन बोला जाता था। तो यहां पे इसको बोल दो कैपिटल सिटी का सी, कैपिटल, इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ एंशियंट गांधार रीजन। दिस यूनिवर्सिटी, इंपार्टेड का आई लगा दो, इंपार्टेड, इंपार्टेड मतलब एजुकेशन इंपार्ट कर रहा था। दिस यूनिवर्सिटी इंपार्टेड एजुकेशन ऑफ, क्या इंपार्ट किया भाई, I-64, ये सब आजकल कंप्यूटर आते हैं ना, I-5, I-7, तो I-64 इंपार्टेड 64 कितने सब्जेक्ट में, 64 सब्जेक्ट में। और ये 64 वर्ड और कहां पे आया है, कितनी कलाएं थी, 64 कलाएं थी, 64 कलाओं में कौन माहिर था, भगवान श्री कृष्ण। किसने बताया था ये, सिग्मा सर ने बताया था, किसी को बताना मत कि ये मैंने बताया था, लेकिन हाँ मैंने बताया था ये, ठीक है। कितने सब्जेक्ट्स में एजुकेशन इंपार्ट किया गया था बेटा, 64 सब्जेक्ट्स में एजुकेशन इंपार्ट किया गया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टेड इन द आश्रम, आश्रम में रहते थे बेटा। पिक्चर बॉबी देवल का आश्रम देखा है कि नहीं देखा है बेटा, बॉबी देवल का वेब सीरीज नहीं देखा है, ठीक है। आश्रम, आश्रम में रहते थे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, गुरु के साथ रहते थे बेटा, किसके साथ रहते थे, गुरु के साथ। हम भी एक आश्रम खोलना चाहते हैं, आप सभी बच्चे हमारे साथ आश्रम में रहना बेटा, ठीक है। जीवक, एक यहां पे एक जीवक नामक बंदा था, कौन था, जीवक नामक बंदा था, जीवक नामक बंदा था, डिसिपल था, किसका था, लॉर्ड बुद्ध का एक शिष्य था, किसका शिष्य था, लॉर्ड बुद्ध का शिष्य था वो। उन्होंने क्या सीखा था, आयुर्वेदा की शिक्षा सीखी थी बेटा इसने, हर्षवर्धन, कौन सा वर्धन, हर्षवर्धन, यह हमारा स्टूडेंट है बेटा, वो जीवक नहीं है। चला गया बेटा वो जीवक, जीवक बेटा वो हर्षवर्धन चला गया, ऐसा बोल रहा हूं मैं, जीवक, जीवक जो था ना, जीवक लॉर्ड बुद्धा का, लॉर्ड बुद्धा का वो स्टूडेंट था, शिष्य था, डिसिपल था, डिसिपल बोलते उसको, डिसिपल नहीं बोलते सर, हाँ मुझे पता है कमेंट सेक्शन में बेटा टेस्ट देके जाना है, डिसिपल था, ठीक है ना। उसने, उसने ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वहां से वो आयुर्वेद सीखा था, क्या सीखा था, आयुर्वेद सीखा था। कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट नहीं है बेटा, ये जीवक, जीवक जे जे लिख दे बेटा, जीवक से याद रहेगा। अब देखो, अब मान्यताओं की बात हो गई, है ना, किसकी बात हो गई, अकॉर्डिंग टू बिलीफ, मतलब अब सच क्या झूठ क्या किसी को
नहीं पता, एक मान्यता के हिसाब से ये यूनिवर्सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष। कौन था ये तक्ष बेटा? अरे ये तक्ष वही लड़का है जो प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत, भरत भरत को जानते हो ना आप, भरत का ही लड़का था तक्ष, उसी के नाम से ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, ऐसी मान्यता है। ठीक है, सच झूठ भगवान प्रभु श्री राम को पता, क्योंकि हम तो प्रभु श्री राम के भक्त है, ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम, और रघुकुल वंशी बोलते हैं उसको, पता होना चाहिए बेटा। इट वॉज अ रिनाउंड एजुकेशन सेंटर ऑफ द 7th century। में आपको एक और चीज बता दू, आप लोगों ने आपके एरिया में कोई बोर्ड देखा होगा उसका स्पेलिंग CENTER होगा, क्योंकि वो अमेरिकन इंग्लिश है, लेकिन हम इंग्लैंड के इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो हमारे अंदर कोई भी स्पेलिंग होता है वो CENTER ही होता है। कोई डाउट है बेटा? याद रख लेना, यहाँ पे कोई टाइपोग्राफिक एरर नहीं है, CENTER इंग्लैंड का इंग्लिश, क्योंकि हमारे पर अंग्रेजों ने राज किया था, इंग्लिश अंग्रेज यूनाइटेड किंगडम ने राज किया था, तो हम उसका ही है। सर ऐसा होता है, इंग्लिश भी अलग अलग होता है बेटा, मारवाड़ी में पता है अलग अलग मारवाड़ी होती है, ठीक है ना, वो जयंती के गांव की मारवाड़ी अलग, ये सुरमिला के गांव की मारवाड़ी अलग, ये दारा के गांव के मारवाड़ी अलग, ये दिव्या की, निकिता की, वो और कौन है, ये प्रदीप की, वो हर्षवर्धन की, कोई रह गया क्या, ये विशाल की, ये अर्पित की, ये हमारा आदित्य, ये इतने सारे बच्चे बेटा। और अच्छा ये मारवाड़ी है, ये गर्व उपाध्याय, इसकी भी सबकी मारवाड़ी अलग, तो बेटा इंग्लिश अलग अलग नहीं हो सकती है क्या? उसमें भी गांवटी भाषा होती है, इंग्लिश भी, इंग्लिश में है, वेयर कैन गो का आयो, समझ रहे हो? नहीं पता चला ना, ये गांवटी इंग्लिश था। कौन सा इंग्लिश था बेटा? गांवटी इंग्लिश था, समझ रहे हो? कहां है हम स्टूडेंट्स, किधर गया रे हम, किधर गया स्टूडेंट्स? वेयर फ्री टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट। अच्छा ये 7th century का, 7th century का एक रिनोन्ड एजुकेशन सेंटर था। कौन सा था बेटा? रिनोन्ड एजुकेशन सेंटर था, रिनोन्ड का आर लगा देते हैं। फिर स्टूडेंट्स वेयर फ्री टू स्टडी सब्जेक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। ये आमिर खान वाला लाइन है, आमिर खान वाला लाइन है, 3 DS में वो नहीं बोलता है एजुकेशन का ऐसे समुंदर बह रहा है, इधर से एजुकेशन ले लो, उधर से ले लो, फलानी जगह से ले लो। तो स्टूडेंट्स को जो अच्छा लगे वो पढ़े, जैसे आपको नहीं 6 subjects, आपको साइंस नहीं अच्छा लगता है फिर भी पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे। स्टूडेंट्स वेयर फ्री टू स्टडी इंटरेस्ट, अपनी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए वो फ्री थे, कोई प्रेशर नहीं था। आपको फोटोग्राफी करनी है तो फोटोग्राफी कर लो, जो करना है वो कर लो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नाउ यहां पे एक लिमिट थी, एक टीचर को इंस्पाइट ऑफ द लिमिट ऑफ एलोटेड 20 students, एक टीचर को सिर्फ और सिर्फ 20 students पढ़ाने थे, फिर भी वो उससे ज्यादा लोड लेता था। क्या लेता था उससे? दे यूज टू टीच इवन मोर, उससे ज्यादा। नाउ ये लाइन में थोड़ा सब कुछ सही है, पर अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो जाए उसको थोड़ा ध्यान रखना है ना। पेज हमारा शायद बदल चुका है, पेज हमारा बदल चुका है। प्रिंसेस मतलब वाराणसी के वो राजकुमार होता है ना, राजकुमार और राजकुमारिया, वो तो यहां पे पढ़ने आते ही थे, लेकिन ये जो प्रसेनजीत है ना, प्रसेनजीत वो एक कौशल प्रदेश है, कौशल प्रदेश का राजा था, कौशल प्रदेश का राजा था, कौशल प्रदेश का राजा था, समझ रहे हो? प्रसन्न देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वाराणसी के बारे में आप सब जानते हो, तो वाराणसी के राजकुमार, राजकुमारिया वो तो यहां पे पढ़ने आती ही थी, लेकिन प्रसेनजीत वो कौन था? बाद में जाके कौशल प्रदेश का वो राजा बना, वो भी यहीं पे पढ़ के गया था, स्टडीड हियर ऑल्सो। तो फिर पाणिनी वो पाणिनी ग्रेट ग्रामेरियन संस्कृत का, आपको पता है ना, ठीक है, तो ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनी जो भी है वो भी इधर ही पढ़ के गया था। फिर कौटिल्य के बारे में हमने बोला, वो तो स्टार्टिंग में ही हमने नॉलेज दे दिया, तो आपको यहां पे कौन कौन पढ़ के गया था? तो वाराणसी के प्रिंस पढ़ के गए थे, प्रसेनजीत खुद पढ़ के गया था, ये वही प्रसेनजीत है, वही है जो दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड कप था उसमें इसने 3 सेंचुरी मारी थी, बराबर है। ईस्वी सन कॉमन एरा हम 2000 की 1200 की बात कर रहे हैं, ठीक है,
हाँ सबसे पहला वर्ल्ड कप वही पे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कमिटी ने खिलाया था इसको। ज्यादा लोड मत लेना बेटा, गूगल मत करना, ये मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, किसी को बताना मत। प्रसन्नजीत कौन था बेटा? किंग ऑफ कौशल प्रदेश का राजा था बेटा, किसी को बताना मत। उसके बाद में ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनी भी इधर ही पढ़ के गया। कौन बेटा? पाणिनी मत बोलना बेटा, पाणिनी है आपको जो पढ़ना है। फिर हमारा कौटिल्य, हमारा सबसे प्रिय कौटिल्य बेटा, ये भी यहीं पे पढ़ के गया था, किसी को बताना मत। डिफॉल्ट लाइन है तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। तक्षशिला क्या था बेटा? हायर एजुकेशन का बेस्ट सेंटर था। नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज टू स्टे विद गुरु टू प्रैक्टिस, वो तो हमने पहले ही पढ़ दिया। बच्चे रहते कहां पे? आश्रम में रहते थे गुरु के साथ, ये तो रिपीट कर रहा है अपने आप को। सामान्य तरीके से स्टूडेंट्स कहां पे रहते थे? गुरु के सानिध्य में रहते थे। क्यों? प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहां पे क्या क्या पढ़ाया जाता था बेटा, मैं थोड़ा इरेज करता हूं। यहां पे क्या पढ़ाया जाता था? वेद पढ़ाए जाते थे। यहां पे मिलिट्री साइंस पढ़ाया जाता था, ठीक है ना, मिलिट्री युद्ध विद्या बोल दो इसको, गज विद्या, गज गामिनी आपने पिक्चर देखा है, माधुरी दीक्षित का था। और एम एफ हुसैन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर इंडिया के, एम एफ हुसैन नाम है उनका। उन्होंने गजगामिनी बनाया था, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उनकी एक पेंटिंग भी है, गजगामिनी उनकी पेंटिंग भी है। वो हाथी नहीं ऐसे चल के जा रहा है तो पीछे से चलता रहता है ऐसे, उसके ऊपर पूरा पिक्चर है। पूरे पिक्चर में माधुरी दीक्षित चलते चलते जा रही है हाथी की तरह, ऐसे दिखाते हैं। कोई डाउट है बेटा? तो गज मतलब मैं आपको क्यों ये पूरा स्टोरी किया गज के लिए, बिकॉज गजगामिनी। कोई डाउट है बेटा? नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। गज विद्या मतलब क्या? गज विद्या मतलब क्या? हाथी वाला विद्या। सर हाथी वाला, पहले के जमाने में राजा महाराजा हाथी के साथ भी लड़ते थे। शौक बड़ी चीज है बेटा, है ना। देखो कुछ लोग ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिकचंद खाते हैं, ठीक है। कोई डाउट है बेटा? ऊंचे लोग ऊंची पसंद, माणिकचंद गुटखा आती है बेटा, जैसे विमल आती है ना, गरीब लोग विमल खाते हैं, गरीब क्योंकि अपना अजय देवगन गरीब है, विमल दाने दाने में केसर का स्वाद, ऐसे ही ऊंचे लोग सिग्मा सर माणिकचंद खाते हैं बेटा, मैं नहीं खाता हूं, है ना, किसी को बताना मत बेटा, बताना मत। आर्चरी मतलब ऐसे करके, आर्चरी समझते हो? आर्चरी कैसी, कौन सी चरी? आर्चरी। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। फिर ग्रामर भी सिखाया जाता था बेटा, गज विद्या तो सिखाई जाती थी, आर्चरी भी सिखाई जाती थी बेटा। ग्रामर सबको पता है बेटा, ग्रामर क्या है, मैं दूसरी बार बोला बेटा ना, वो गज विद्या थी। उसके बाद में फिलोसॉफी जैसे आपके सिग्मा सर की फिलोसॉफी है, पढ़ो नीचे गणपति में जाओ, गरबा करो, लेकिन अपने टाइम पे पढ़ लो ना, ट्यूशन में नहीं आते बच्चे, पूरे दिन घर पे बैठते, पता नहीं इनको क्या रहता है, ठीक है, सब पागल है। कोई डाउट है? यहां पे ट्यूशन में कुछ भी हो जाए, सिर्फ एक ही लड़की रेगुलर है, निकिता प्रजापति, तुम सब पागल हो। उसका ऐसे सामने से कभी मैसेज नहीं आता कि मैं आज नहीं आने वाली हूं, तुमको पता नहीं घर पे बैठे बैठे क्या मजा आती है, वो एक का एक रूम देख के भी कंटाला नहीं आता है भैया, मतलब आधा दिमाग होता है तुम्हारे अंदर। फिलोसॉफी ये जयंती जैसे लोग होते हैं, ठीक है, घर पे ही बैठे रहते हैं। वारलोर, पता चला इनका स्क्रीन टाइम 14 आवर्स इंस्टाग्राम पर का होता है स्क्रीन टाइम। भाई इतना मेरा यूट्यूब के वीडियो देख लेती, अभी तक बोर्ड में टॉप कर लिया होता। गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूं, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। वॉज गिवन हियर, देखो कितना सारा ज्ञान देते थे, वी मिलिट्री साइंस, गज विद्या, ठीक है। आड़ा लिखता हूं बेटा, आड़ा लिख रहा हूं, तू समझ जाना बेटा, आड़ा लिखता हूं बेटा, मैं आड़ा हूं तो मैं आड़ा लिखूंगा, ठीक है। वी मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, वापस ग्रामर, डब्ल्यू ए ए, ठीक है। कैसे याद रखोगे बेटा? ऐसे ऐसे याद रखने का, वी एम जी, ए जी पी और डब्ल्यू ए, कुछ अपने हिसाब से कर लेना बेटा, ठीक है। इतने सारा नॉलेज दिया गया था। फिर चाणक्य को बेटा, यहां भी ये लोग कंफ्यूज नहीं है, कौटिल्य मतलब नॉनसेंस हो गया, कौटिल्य मतलब चाणक्य, नॉनसेंस हो गया है। पंखे का आवाज आ रहा था। कौटिल्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो स्टडीड हियर, चाइनीज स्कॉलर फाहिन विजिटेड द यूनिवर्सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ द 5th सेंचुरी। कोई ना,
वो अगर पंखे का आवाज कुछ ज्यादा आ रहा है रिकॉर्डिंग में, मैं फिर से बना दूंगा, लेकिन आपको तो फिलहाल पता चल रहा है ना, जरूरी नहीं है वीडियो अपलोड हो के ना हो। अगर पंखे का आवाज नहीं आ रहा है तो वीडियो अपलोड करेंगे, आ रहा है तो नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता मैं क्या बोला हूं, ठीक है। बट सॉरी दोस्तों, पंखा का आवाज बहुत आ रहा था, आपका तो हो रहा है ना, और आप बोलो तो मैं फिर से चालू कर दूं वीडियो को, ना ना है ना, चलो ठीक है। बट पंखे का आवाज आ रहा है बेटा, पंखे का आवाज आ रहा है, सॉरी बेटा सॉरी। देखो फिर से पढ़ते हैं हम, क्योंकि आप कहां पे आते हो, मैंने पंखा बंद किया था। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, यस, सोशल साइंस पढ़ने आए हो आपके आप मेरे साथ, हम चैप्टर 4 का वन ऑफ द आईएमपी तक्षशिला लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया में पढ़ रहे हैं, आईएमपी पोर्शन में एग्जाम में आता है बेटा, ठीक है। पेज नंबर 35 पे है और आधे में 36 हो जाएगा, टेंशन मत ले तू, ठीक है। एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला कहां पे लोकेटेड था बेटा, कहां पे लोकेटेड था, रावलपिंडी, कौन सी पिंडी, रावलपिंडी ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इट वॉज द कैपिटल सिटी, यहां पे हमने क्या लिखा था, एलसी लिखा था, एलसी, वो आपको 10th की एग्जाम के बाद एलसी मिलेगा, बराबर है। लोकेटेड कैपिटल सिटी, इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ एंशियंट गांधार रीजन, पौराणिक गांधार प्रदेश, कौन सा प्रदेश, पौराणिक गांधार प्रदेश का यह कैपिटल सिटी था। ये जो यूनिवर्सिटी है 64, ये जो यूनिवर्सिटी है इंपार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट्स, I-64, कोई डाउट है बेटा, दिस यूनिवर्सिटी इंपार्टेड एजुकेशन इन 64 लैंग्वेजेस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहां पे रहते थे बेटा, आश्रम में रहते थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेड इन द आश्रम टू प्रैक्टिस विद गुरु। ये सेम लाइन नीचे वापस रिपीट हो रहा है, ये सेम लाइन नॉर्मली देखो, ये रहा नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज टू स्टे विद गुरु टू प्रैक्टिस, सेम लाइन नीचे रिपीट हो रहा है, सेम लाइन नीचे रिपीट हो रहा है, नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज टू स्टे विद गुरु टू प्रैक्टिस। तो आपका क्या है, आपको तो मार्क्स मिल रहा है, समझ रहे हो। अभी देखो, जीवक, जीवक द डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा लर्नड लेसंस ऑफ आयुर्वेदा हियर। जो लॉर्ड बुद्धा भगवान श्री बुद्ध का एक शिष्य था, जिसका नाम जीवक था, क्या था, जीवक था, वो भी यहीं पे आयुर्वेद पढ़ा हुआ है। और अब जो है रघुकुल वंशी की बात आ जाएगी, तक्ष की बात आएगी, भगवान श्री राम की बात आएगी, कि भरत का जो पुत्र था। अकॉर्डिंग टू अ बिलीफ दिस यूनिवर्सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष द सन ऑफ भरत, ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम, बॉर्न इन रघुकुल। कोई डाउट है बेटा, नहीं है। पहली लाइन क्या थी, लोकेटेड की, दूसरी लाइन कैपिटल की थी, इंपार्टेड एजुकेशन इन 64 लैंग्वेजेस था, उसके बाद में ए आश्रम टू प्रैक्टिस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टेड इन द आश्रम टू प्रैक्टिस विद गुरु, जे जीवक, जीवक द, जीवक कौन था बेटा, जीवक द डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा लर्न द लेसंस ऑफ आयुर्वेदा हियर। अकॉर्डिंग टू बिलीफ, एक मान्यता के हिसाब से दिस यूनिवर्सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर तक्ष, कौन था वो तक्ष, द सन ऑफ भरत था, ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम। अब ये भरत है वो लॉर्ड राम के भाई थे, बॉर्न इन रघुकुल। इट वॉज अ रिनोन्ड 7th सेंचुरी का, 7th AJT हो गया, 7th सेंचुरी का रिनोन्ड एजुकेशन सेंटर था, इट वॉज अ रिनोन्ड एजुकेशन सेंटर ऑफ 7th सेंचुरी, ठीक है। हाँ, वो धोनी का 7वां नंबर इसीलिए फेमस था, ठीक है ना, कोई डाउट है, तू बेटा पढ़ने में ध्यान दे। स्टूडेंट्स वेयर फ्री टू स्टडी, हाँ ये अपने आप को आमिर खान मानते थे, स्टूडेंट्स वेयर फ्री टू स्टडी, मैंने मुझे नहीं पता इसके अगले में मेरे को यहाँ पे फ्री करना है, एफ लगाना है, स्टूडेंट्स वेयर फ्री टू स्टडी सब्जेक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट, खुद की स्टडी, किस उसका खुद का जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो स्टडी कर सकता था। फिर एक 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 टीचर को 20 स्टूडेंट्स अलॉट किए जाते थे, फिर भी दे यूज टू टीच इवन मोर, 20, यस, ये वही रोजर फेडरर है, RF20, जिसने 20 ग्रांड स्लैम जीते हैं। पता है आपको टेनिस में ग्रांड स्लैम होते हैं, एक साल में 4 बार खेले जाते हैं, टेनिस देखा करो, रोजर फेडरर 20, कोई डाउट है बेटा, उसकी ऐसे टोपी भी आती है आरएफ, कोई डाउट नहीं है बेटा। अब लोगों अलग अलग जहां से यहां पे पढ़ने आते थे, कहां से आते थे बेटा, ये लाइन मैंने शायद पहले पैराग्राफ में नहीं पढ़ाई,
ये मैंने पहले पैराग्राफ में ये पूरा का पूरा लाइन जब पहली बार पढ़ाया ना, ये लाइन ही बाईपास किया। लोग यहां पे वाराणसी से पढ़ने आते थे, फिर मेरे को याद करके बताओ ये राजगृहा कौन सी चीज है। जब हम जैन बारे में पढ़ाते थे, जैन टेम्पल के बारे में पढ़ाते थे, आर्ट एंड वो आर्किटेक्चर वाला था ना, वहां पे मैंने बोला था वो राजगीर या समथिंग मैंने बोला था कि उसको राजगृह भी बोलते हैं पौराणिक जमाने में उसका नाम बिहार में। वो फिर वो पूरा का पूरा पैराग्राफ उससे रिलेटेड था, याद है आपको, जैन टेम्पल्स के बारे में जिसने भी देखा है, इसको मैंने दिखवाया था, याद है ना, ये राजगृह वो वर्ड है बिहार का। फिर मिथिला, हमारी जो सीता माता है उनको मिथिलेश कुमारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उनके अलग अलग नाम है, मिथिलेश कुमारी उनका नाम है, जानकी, ठीक है, क्योंकि राजा जनक की पुत्री थी वो, समझ रहे हो। हाँ, ये वही मिथिला प्रदेश है, ठीक है। और उज्जैन, अब काल भैरव के दर्शन करने तो आजकल सभी जाते हैं उज्जैन, तो देख लो वाराणसी जो आज की तारीख में फेमस है, ठीक है। राजगृह जिसके बारे में, ये वही प्रदेश है जिसके बारे में हम थर्ड नंबर के चैप्टर में पढ़े, मिथिलेश, मिथिला, मिथिलेश कुमारी, सीता माता और उज्जैन, महाकाल। ओवर क्राउडेड द यूनिवर्सिटी, मतलब ये पर्टिकुलर प्रदेश से लोग यहां पे मतलब फुदक फुदक के पढ़ने के लिए आते थे, यहां पे फुदक फुदक के पढ़ने के लिए आते थे। एट द सेम टाइम प्रिंसेस ऑफ वाराणसी, क्योंकि वाराणसी से लोग बहुत आते थे यहां पे, उनके प्रिंसेस भी आते थे। इसका स्पेलिंग आपकी बुक में थोड़ा अलग है, मैंने एक एस एड कर दिया है, प्रिंसेस ऑफ वाराणसी। फिर प्रसेंजित, द किंग ऑफ कौशल, कौन बेटा? प्रसेंजित द किंग ऑफ कौशल, स्टडीड हियर ऑल्सो द ग्रेट ग्रामेरियर पाणिनी, पाणिनी बोल दो, एंड एक्सपर्ट पॉलिटिशियन कौटिल्य यानी चाणक्य गॉट द एजुकेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। तो ये जो दो लाइन है, वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन, ओवर क्राउडेड दिस यूनिवर्सिटी, उसके बाद में यहां पे कौन कौन पढ़ के गया? वाराणसी के प्रिंसेस पढ़ के गए, प्रसेंजित जो किंग ऑफ कौशल था वो पढ़ के गया, फिर पाणिनी ग्रेट ग्रामेरियन थे वो पढ़ के गए यहां पे, और द ग्रेट कौटिल्य, ठीक है ना, गॉट द एजुकेशन फ्रॉम हियर। तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, एकदम नॉर्मल सा लाइन है, अगर आपको हायर एजुकेशन करना है तो तक्षशिला एक बेस्ट सेंटर है। ये वाला पहले हम पढ़ चुके, नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज टू स्टे विद गुरु टू प्रैक्टिस। यहां पे क्या क्या दिया जाता था बेटा? वेदास, वेदास की ट्रेनिंग दी जाती थी, मिलिट्री साइंस की, वीएमजी, उसके बाद में आर्चरी, ग्रामर, एजीपी और डब्ल्यू ए ए, बहुत सारे वर्ड है लेकिन आप अपने हिसाब से याद रख लेना। यहाँ पे वेदास की ट्रेनिंग एजुकेशन दिया जाता था, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, वैसे यहाँ पे 64 सब्जेक्ट्स में से यहाँ पे 9 ही लिखे है, अच्छा है ना, 9 ही लिखे गए, कम याद रखने के, ठीक है। फिर आर्चरी, ग्रामर, फिलोसॉफी, सर यहाँ पे कंप्यूटर नहीं पढ़ा देते? हाँ हाँ पढ़ा देते बेटा, एकदम कंप्यूटर का कोडिंग भी सिखा देते, वो लिख मत देना बेटा, उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं था। हाँ नॉनसेंस, कुछ भी पूछता है। वारलॉर्ड सिखाते थे, एस्ट्रोनॉमी सिखाते थे, एस्ट्रोलॉजी सिखाते थे, नॉर्मल चीजें, पुराने जमाने में क्या सीखना होता है। अभी आज की तारीख में आपको गज विद्या सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते है। कोई स्कूल में ऐसे आर्चरी सिखाते हैं? नहीं सिखाते है। जिस जमाने में जो चलता है वही सीखना होता है ना, तो वही सब लिखा है। यहां पे लोग क्या पढ़ते थे बेटा? अभी तुम क्या पढ़ते हो? इंग्लिश पढ़ते हो, पहले वेद पढ़ते थे, नॉर्मल लाइन है, वेद पढ़ने जाते थे, मिलिट्री साइंस पढ़ते थे बेटा। कौन सा विद्या पढ़ते थे? वो लड़ने की विद्या, क्योंकि सबको लड़ना ही था। फिर गज विद्या यानी हाथी वाली, फिर आर्चरी, ग्रामर तो पढ़ना पड़ता था बेटा, क्या पढ़े, कुछ तो लिखना है, फिलोसॉफी सबकी होती थी, सब कोई मेरे जैसे फिलोसॉफी ही जानता था, इसीलिए तो मैं पुराने जमाने का हूं। वारलोर, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी वॉज गिवन ईयर। चाणक्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, स्टडीड ईयर, ये हमने पहले ही बता दिया। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सब कुछ थे, भगवान समझ लो, गुरु समझ लो, उनको बनाने वाला, इसीलिए तो गुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और हाँ, हम ये नहीं भूलेंगे, एक चाइनीज चीनी मिनी बाय बाय, ये देश हमारा है, फाहिन भी यहाँ पे पढ़ के गया था, विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ द 5th सेंचुरी। देखो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, पहले वाला पॉइंट था लोकेटेड, एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वॉज लोकेटेड एट कौन सी पिंडी? रावलपिंडी, एट प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ एंशियंट गांधार रीजन, वहां पे इम्पार्ट किया जाता था, दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट्स। उसके बाद में एजीटी, ए लाइन क्या था बेटा? आश्रम टू पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेड इन द आश्रम।
टू प्रैक्टिस विद गुरु, जीवक नामक एक बंदा था, द डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा था, लर्नड लेसंस ऑफ आयुर्वेदा हियर अकॉर्डिंग टू बिलीफ। अब एक मान्यता के हिसाब से टी फॉर तक्ष, अकॉर्डिंग टू बिलीफ दिस यूनिवर्सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष द सन ऑफ भरत ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम बोर्न इन रघुकुल। इसके बाद में आर एफ रोजर फेडरर 20 रिनोन्ड यूनिवर्सिटी, कैसा था बेटा रिनोन्ड, किधर गया बेटा मैं तो घूम गया। इट वॉज अ रिनोन्ड एजुकेशन सेंटर ऑफ 7th सेंचुरी, स्टूडेंट आर एफ फ्री टू स्टडी द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेड अलॉटेड 20 स्टूडेंट्स पर टीचर दे यूज टू टीच इवन मोर, हद से ज्यादा पढ़ाने के लिए वो उत्सुक रहते थे। उसके बाद में ये वी आर एम यू, ये मतलब वाराणसी की बात शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्टेंस सिटीज लाइक वाराणसी राजगृह मिथिला एंड उज्जैन ओवरक्राउडेड द यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी को ओवरक्राउडेड किया गया था। फिर यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वाराणसी प्रसेनजीत, जो खुद एक किंग ऑफ कौशल बना बाद में जाके, स्टडीड हियर एंड द ग्रेट ऑल्सो द ग्रेट ग्रामरियन पाणिनी, वो भी यहाँ पे पढ़ के गया। एंड एक्सपर्ट पॉलिटिशियन कौटिल्य यानी चाणक्य गॉट द एजुकेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन के लिए तक्षशिला एक ग्रेट इंस्टीट्यूशन था। नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज टू स्टे विद द गुरु, दूसरी बार लिख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या दिया जाता था, VMG, AGP, WAA, यहाँ पे एजुकेशन ऑफ वेदास, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसॉफी, वारलोर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी दिया जाता था। चाणक्य द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो स्टडीड हियर, दूसरी बार लाइन लिखा इन लोगों ने, पता नहीं इन लोगों को लगता है चाणक्य और कौटिल्य के इनको नहीं पता था, उनको जाके घर पे जाके बता देना। चाइनीज स्कॉलर फाइन विजिटेड दिस यूनिवर्सिटी इन द बिगिनिंग ऑफ द 5th सेंचुरी। और एक बार रिवाइज कराऊ के हो जाएगा ठीक है। जय श्री कृष्ण मारा वाला मित्रों।